राधे राधे सबको, जय माता दी। वेलकम बैक टू ब्लॉग्स विद दिव्या। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैंने करी है अलमीरा सेट। सेट मुझे अक्सर ही करनी पड़ जाती है, मतलब करी थी कुछ दिन पहले भी बट फिर से बिगड़ गई थी। तो इस वजह से किसी ने मुझसे कमेंट भी किया था कि आप प्लीज़ अपनी अलमीरा ऑर्गेनाइजेशन दिखाओ। तो अभी फ़िलहाल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ है नहीं, ऐसे ही मैंने रख रखे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। काफ़ी दिन से लोग बोल रहे थे अपने अलमीरा में कैसे कपड़े रखे हैं वो दिखाओ। तो फ़िलहाल कुछ भी अच्छे से नहीं रखा है तो इग्नोर करना। बहुत ही बेसिक और नॉर्मल तरीके से सब कुछ मैंने रखा हुआ है, जैसे कि घर में नॉर्मल घर में होता है। तो फ़िलहाल सोचती हूँ करूँगी कभी तो आपके साथ शेयर करूँगी, अभी कुछ ऐसा प्लान नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं चल रही हैं, वो मैं आपके साथ बाद में डिस्कस करूँगी। फ़िलहाल करते हैं काम आगे, कि बहुत काम बढ़ जाता है। कुछ भी कहीं भी घर में हाथ भर लगा दो आपके लिए समंदर भर काम कब हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो फिर मैंने सोचा कि गंदगी तो हो ही रही थी, बेडशीट भी मैं चेंज ही कर देती हूँ। शाम के टाइम भी मेरी अच्छी खासी क्लीनिंग हो गई। अदरवाइज़ मैं शाम के टाइम बहुत कम क्लीनिंग करती हूँ, बहुत रेयर आपने देखा होगा। और यहाँ पर नन्नू को मिला है एक क्यूट सा टैडी, बोले क्या बोले इसको, पिगी बोले जो भी बोल लें। और ये इतना सुपर क्यूट है, मैंने ऐसा पहले नहीं देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी क्वालिटी का है और ये नन्नू के एक नानू लगते हैं, उन्होंने नन्नू के लिए भिजवाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे सेट हो गए हैं, सारा कुछ मैंने सेट कर दिया है। फिर मैं इधर आई तो मुझे ये गंदा दिख गया, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी क्लीन कर देती हूँ। फिर फाइनली जा कर के मैंने शावर लिया है। क्लीनिंग के बाद शावर लेना तो बनता है, स्पेशली जब आप व्रत हो तब। व्रत में मैं ऐसे ही पूजा नहीं करती हूँ कि गंदी हो तो ऐसे बिना सर धुले ही कर लूँ पूजा, ऐसे नहीं करती हूँ। तो क्लीनिंग वगैरह की थी तो फिर मैंने कुछ ऑर्डर भी किया था, दो तीन सामान, तो वो भी आ गया था। उसके बाद मैं कर रही हूँ शाम की आरती, चल रहे माता रानी के भजन, तो उनको मैंने अभी पॉज कर दिया क्योंकि आरती के टाइम फिर ना आरती भूलने से लगते हैं बीच में, जैसे कोई भजन चल रहा होता है। किस किस के साथ ऐसा होता है बताना। और बस यहाँ पर आज मम्मी आई थी यहाँ पर, तो लेकर के आई थी सिंघाड़े। शायद फर्स्ट टाइम ही आए सीज़न में सिंघाड़े, मैं खा रही हूँ, मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और कोई मीठा निकल आए तो कहने क्या, तो इसमें काफ़ी सारे मीठे सिंघाड़े निकले तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पर करूँगी डिनर की तैयारी। तो आज मैं जो भी बनाऊँगी बहुत ही क्विक रेसिपी आपके साथ मैं शेयर करूँगी, क्योंकि उनको बनाने में कुछ है ही नहीं। व्रत में बहुत ज़्यादा तामझाम तो होता नहीं है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम सिंपल वे में बना लें चीज़ों को उतना ही अच्छा रहता है, उसमें कम चीज़ें ऐड किए हुए। यहाँ पर सबसे पहले मैं कट कर रही हूँ टमाटो एंड कोरिएंडर, मिर्च को भी मैंने कट कर लिया। यहाँ पर निकाल लिया आलू की सीटी, इनको मैंने पहले ही बॉयल होने के लिए रख दिया था और छील लिया है ठंडा करके। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एक सब्जी और पूड़ी और एक खीर की रेसिपी। वो खीर किस चीज़ की है आपको भी पता चलेगा। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे देसी घी, उसमें डाल देंगे हरी मिर्च और फिर यहाँ पर डाल देंगे टमाटर और उसमें डाल देंगे नमक और ऊपर से डाल दिए आलू, दैट्स इट। देखिए इसमें कुछ भी नहीं पड़ा है, टमाटर हरी मिर्च के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पड़ी है। और वैसे तो टमाटर भी वर्जित होते हैं आजकल, तो मतलब कुछ भी नहीं रह गया व्रत में, ये भी खा लो वो भी खा लो वो भी, बट नींबू सबसे ज़्यादा वर्जित माना गया है। तो इस वजह से मैं अपने व्रत की किसी भी रेसिपी में माता रानी के जब दिन चल रहे होते हैं तो मैं नींबू का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। कौन कौन ऐसे करता है मेरे साथ शेयर करना, और किस किस को ये बात, आई थिंक नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगी, इसमें कोई बहुत ज्ञान वाली बात तो है नहीं। हालांकि होता तो टमाटर भी खट्टा है बट वो उतना ज़्यादा नहीं होता है नींबू जितना, और प्लस जीरा वगैरह भी मैं व्रत में बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ जरा सा भी। यहाँ पर मेरा आटा भी सेट हो गया है सिंघाड़े के आटा में, बॉयल आलू मिला करके सेट कर लिया। थोड़ा सा वैसे ही रहता है मक्के के आटे के जैसा, मतलब बहुत ज़्यादा ये बाइंड अप नहीं होता है नॉर्मल आटे की तरह। और अब मैं बनाने जा रही हूँ खीर, और खीर आज मैं बनाऊँगी कद्दू की। हाँ जी सही सुना आपने, कद्दू जो होता है ना, सीताफल भी कुछ लोग बोलते हैं। तो कुकर में सबसे पहले घी डाल करके, देसी घी डाल करके हल्का सा भून लूँगी। देसी घी डालिएगा स्वाद अच्छा आएगा। और हल्का सा भूनने के बाद उसमें डाल दूँगी दूध। दूध ध्यान रहे फ्रिज का रखा ना हो, हल्का सा आप उसको गुनगुना कर लें, हल्का सा गुनगुना कर लें कि ठंडक छूट जाए। और यहाँ पर सब्जी को मैंने 15-20 मिनट के लिए खदका दिया था तो वो भी बन गई है, तो उसको भी मैंने धनिया डाल करके अलग कर लिया है। सब्जी भी रेडी। और खीर में सिर्फ आपको एक सीटी लगानी है मैक्सिमम, बहुत जल्दी से गल जाता है कद्दू, कुछ वो नहीं होता है।
तो एक सीटी लगाने के बाद जब तक उसका प्रेशर निकल रहा है तब तक मैं आटे की जितनी भी पूरी बनती है बना लूँगी, फिर खीर को आगे बाद में चढ़ाऊँगी। तो मैं इस तरीके से थोड़ा सा, मुझे मैं जल जाती हूँ अक्सर खाना बनाते टाइम, ऑयलिंग का मतलब फ्राई जब करती हूँ ना ऑयलिंग का काम, तो मैं बहुत जलती हूँ, तो इस वजह से मैं डर की वजह से ऐसे रख रही हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं काम भी ना कर पाऊँ, क्या फ़ायदा 3-4 दिन, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से सारी पूड़ियाँ हाथों में हल्का सा पानी लगा करके बना लेनी है, और मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो बताना, मेरे साथ शेयर करना, इसी तरीके से टेस्ट बहुत अच्छा आता है पूड़ियों का। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सीटी निकलने के बाद मैंने फिर गैस की फ्लेम को एकदम स्लो करके कुकर चढ़ा दिया है, जो मैश एक मैशर होगा उसकी हेल्प से कद्दू को मैश कर लूँगी। मैश ज़रूर करिए, अदरवाइज़ अच्छी नहीं बनेगी खीर, और टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देंगे और थोड़ी देर इसको और हल्का सा बॉयल होने देंगे। आप थिक रख सकते हो, हल्की सी ग्रेवीदार रख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा, और अपने मनपसंद के ड्राई फ्रूट्स डालें, इलायची डालें, केसर, बादाम, पिस्ता, जो मतलब डालना हो आप डालें, बट मुझे सिर्फ इसमें चिरौंजी पसंद है, माई मोस्ट फेवरेट ड्राई फ्रूट चिरौंजी। तो बस खीर भी बन के रेडी, हल्का सा ठंडा करके मैंने माता रानी को भोग लगाया। सबसे पहले आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लो, उसके बाद मैंने लगा दी इनके लिए थाली, और मेरे पति देव बेचारे जो घर में बनता है वो खा लेते हैं व्रत वाला बनता है, हालांकि उन्हें अच्छा भी लगता है, और बट ये वो डेली नहीं खा सकते हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट टाइम ही अभी आज बनाया है मैंने, तो फिर उनको खिला दिया, नन्नू खा रही और मैं खा लूँगी बैठ करके। और आज चौथे दिन का जो मेरा नवरात्रि का इवनिंग का रूटीन था वो कुछ इस तरीके से रहा, कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। 9:30 हो रहा है और ननू थोड़ा सा टीवी देख रही है और बड़ी मुश्किल से दूध पी रही है, सच में बहुत लकड़े करती है ये। बज रहा है 12 और मैं कर रही हूँ एडिटिंग, ब्लॉगिंग करते करते मेरे जो अभी मैं इसकी लाइट ऑन कर लूँ, एक सेकेंड, कोई फ़र्क पड़ा? थोड़ा सा पड़ा, मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन हो गई, मैंने इसको चार्जिंग पर लगा दी, तो सोचा तब तक मैं ब्लॉग एडिट ही कर लेती हूँ, और इतना करते 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 फिर मैं भूल ही गई कि मुझे व्लॉग भी एंड करना है। ये वाला व्लॉग मैंने बहुत मन से आप लोगों के लिए बनाया और अपना इवनिंग रूटीन काइंड ऑफ नवरात्रों में आपके साथ शेयर किया है। रूटीन तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि जब से नवरात्र स्टार्ट हुए हैं ये जो व्रत वाली पूड़ी सब्जी आज फर्स्ट टाइम बनी है, और आज चौथा दिन है नवरात्र का, तो मैंने कहा चलो आज बनाते हैं व्रत वाला खाना और आपके साथ भी शेयर करते हैं। कैसी लगी आपको रेसिपी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, एंड कद्दू की खीर मैं पहले भी शेयर कर चुके हैं, बट जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ ट्राई करना और मुझे बताना कैसी लगी। इसकी एक छोटी सी कहानी है, कद्दू की खीर मैं बता देती हूँ जिन्होंने नहीं सुना है। ये कद्दू की खीर मैंने पहली बार अपनी पूरी लाइफ में खाई थी क्रूज़ पर, मैं गोवा गई थी अपनी एनिवर्सरी 5th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैंने वहाँ क्रूज़ था डेल्टन रॉयल करके, तो वहाँ पर मैंने खाई थी। ये मुझे ला करके दे रहे थे बट ये बता नहीं रहे थे क्या ला रहे, जब मैंने देखा ये कद्दू की खीर मुझे बिलीव नहीं हुआ। फिर मैंने इसको घर पर भी ट्राई किया, मैंने कहा नॉर्मल खीर की तरह तो बनती होगी, क्या है इसमें ऐसा, तो वैसे ही बना करके देखा तो बहुत अच्छी बन गई। मैं यहाँ पर अभी पूरा ब्लॉग एडिट नहीं हुआ है, अभी टाइम लगता है इसको एडिट होने में, तब तक मुझे बीच में याद आ गया आप लोगों से बात करूँ। एंड आज मैंने दिन में थोड़े से कमेंट अपने रीड किए, तो मेरे दिल में आ गया कि मैं आप लोगों से बात करती हूँ। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मुझे लगातार टॉन्ट कर रहे हैं, मैं इग्नोर कर रही हूँ, काफ़ी महीनों से मैं इग्नोर कर रही थी, इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, चलो मैं व्रत में वट बोले दे रही हूँ कि आगे अपनी औकात पर, है ना, और मिल गया तुझे जो मिलना था, मतलब इस तरीके के कमेंट आते हैं। बाकी तो मैं आपको एग्जैक्ट बता भी नहीं सकती हूँ, ना ही बताना चाहती हूँ, क्या फ़ायदा फालतू की बातें दोहराने का। मैं आप लोगों के साथ अपनी फीलिंग शेयर करना चाहूँगी कि मुझे ऐसी खास कोई दिक्कत नहीं है इस घर में, आप लोग इतना परेशान मत होइए। दूसरी एंड मेजर इम्पॉर्टेंट बात वो ये है कि मैं और मेरे पति, हम जहाँ पर भी थे या जहाँ पर भी हैं, अपनी मेहनत से हैं, भगवान की कृपा से, एंड आई एम एक्चुअली ब्लेस्ड कि मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए, हम लोगों के लिए कोई ये नहीं बोलता है कि उनके पास तो सब यू नो हराम का है, बिना मेहनत का मिल गया है, जैसा भी है। हम छोटे घर में हैं पर हमारा आत्मसम्मान बड़े घर से कई ज़्यादा बड़ा है, एंड आत्मसम्मान की कीमत समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैंने अचीव भी किया है और मैंने कई सारी चीज़ें गंवाई भी हैं, बट चलो कोई बात नहीं, उसमें भी मैं भगवान की ही इच्छा समझती हूँ। हो सकता है मेरे साथ ये होना लिखा हो, इसके पीछे कुछ रीज़न हो,
शायद मेरी स्टोरी, मेरी लाइफ किसी को मोटिवेट कर पाए क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे हूँ। तो जो भी हुआ ठीक हुआ, मुझे उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ी बहुत परेशानी तकलीफ तो होती है क्योंकि मेहनत की कीमत वही समझ सकता है जो खुद मेहनत करके गुजारा करना जानता हो। हम छोटे घर में हैं पर हमारा आत्मसम्मान बड़े घर से कई ज़्यादा बड़ा है। तो चलिए इस वाले ब्लॉग को ज़्यादा बातें ना करते हुए करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। राधे राधे, जय माता दी।